अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई लें, उसमें डालें थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद डालें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ प्याज और इसे अच्छी तरीके से भून लें। भुन जाने के बाद ऐड करें 1 कटा हुआ टमाटर, इसे भी अच्छी तरीके से पका लें। नेक्स्ट ऐड करें कटा हुआ गाजर, कटा हुआ पत्ता गोभी, पनीर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाएं। थोड़ा सा डालें नमक और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर ऐड करें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पकाएं। नेक्स्ट डालें पका हुआ चावल, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पकाएं। आखिर में डालें ऊपर से थोड़ा कटा हुआ धनिया और ये हमारा झटपट सा इजी सा रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।